क्वेश्चन नंबर 10 है आपका एक्सरसाइज 19.5 का, ठीक है। क्वेश्चन कुछ आपका ऐसे दिया है कि इंटीग्रेशन एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी, आपको इसका इंटीग्रेशन करके आंसर बताना है, ठीक है। तो इसको करते हैं कैसे हम लोग, देखो आप देख रहे हो आपके पास ये ऐसे लिखा हुआ है, तब क्या करो ये लिख लो एक्स, ठीक है, और इसे रैशनलाइज करो। पहले आप क्या करोगे रैशनलाइज, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या लिखेंगे, अंडर रूट एक्स प्लस ए, यहाँ होगा माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी, इसका कॉन्जुगेट जो हमारा होगा वो क्या होगा, प्लस वाला होगा, तो प्लस वाला मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, अंडर रूट एक्स प्लस ए, यहाँ पर होगा अंडर रूट एक्स प्लस बी, यहाँ भी नीचे हमारा कितना होगा, अंडर रूट एक्स प्लस ए, अंडर रूट एक्स प्लस बी, यहाँ पे आपका हो जाएगा डी एक्स, ठीक है। तो गाइज ये ज़रा देखो आपका ये होगा, ये हो जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये फार्मूला गाइज आपका कितना बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर गाइज आप ध्यान देखो तो आपके पास ऊपर कितना बन गया, ऊपर बन गया आपका इंटीग्रेशन एक्स ब्रैकेट में होगा अंडर रूट एक्स प्लस ए अंडर रूट एक्स प्लस बी एक्स प्लस, ये गाइस आपका प्लस है और यहाँ पे बी हो गया, ठीक है। और नीचे देखो गाइस आपका कितना बनेगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा तो कितना होगा, अंडर रूट एक्स प्लस ए का स्क्वायर माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा डी एक्स। अब गाइस फिर आपका आएगा इंटीग्रेशन एक्स का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो गाइस आपका कितना बनेगा, एक्स अंडर रूट एक्स प्लस ए, यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स अंडर रूट एक्स प्लस बी हो जाएगा। नीचे जो गाइस आपका आएगा वो कितना आएगा, एक्स प्लस ए, यहाँ जो आपका आएगा वो कितना आएगा, एक्स प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका डी एक्स। तो पहले तो गाइस एक्स से एक्स आप हट जाएंगे, ठीक है। देखो गाइस नीचे जो आपका है ना ए माइनस बी है विच इज कॉन्स्टेंट, ए कांस्टेंट है ऑफकोर्स कांस्टेंट है, बी भी आपका कांस्टेंट है, यस कांस्टेंट है, और ए माइनस बी भी आपका क्या कांस्टेंट होगा, तो भाई कांस्टेंट तो खेल से पहले ही बाहर आ गया, तो ए माइनस बी आपका क्या हो गया, बाहर हो गया। अंदर देखोगे जब क्या मिलेगा, अंदर मिलेगा इंटीग्रेशन, पहले आपको मिलेगा एक्स अंडर रूट एक्स प्लस ए, यहाँ हो जाएगा डी एक्स, ठीक है। अब ये डी एक्स इसके साथ आएगा तो कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन एक्स यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे एक्स प्लस बी हो जाएगा अंडर रूट में, यहाँ हो जाएगा डी एक्स। आपने दो अलग अलग इंटीग्रेशन से तोड़ दिया, इंटीग्रल में तोड़ लिया। अब गाइस थोड़ी सी मुझे स्पेस लंबी ज़्यादा चाहिए तो मैं यहाँ पर इक्वल टू लिख रहा हूँ, ये होगा वन अपॉन ए माइनस बी, ठीक है। अब यहाँ पर जो करते हैं जुगाड़, जैसा रूट अंदर दिया वैसा मैं यहाँ बाहर क्रिएट करूँगा, इसके लिए सबसे पहले तो गाइज मुझे क्या करना पड़ेगा कि x के पास a ऐड कर दो, a क्या कर दो सब्ट्रैक्ट कर दो, तो जिससे बैलेंस हो जाएगा अंडर रूट यहाँ पे कितना बनेगा x प्लस a हो जाएगा डी एक्स। उसी तरीके से गाइज यहाँ पे आप क्या करोगे, जो आपका है यहाँ पे x, ये आप उसे ले सकते हो x प्लस बी, बी ऐड करो b क्या करो सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है, b ऐड करो क्या करो b सब्ट्रैक्ट कर दो, अंडर रूट आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा x प्लस बी, ये हो जाएगा डी एक्स, ठीक है गाइस। अब क्या करना है, ये वाली चीज़ एक बार में इसे मल्टीप्लाई में लगाओ, इस तरीके से इसको भी एक बार मल्टीप्लाई लगाओ, इसको अलग से मल्टीप्लाई में लगाओ, और यहाँ भी इसको भी अलग से मल्टीप्लाई में लगाओ। किसके साथ मल्टीप्लाई में लगाना, इन सबको इसके साथ, इन सबको इसके साथ, ठीक है। तो अब देखो गाइस आपके पास कितना आएगा, यहाँ जो आपके पास निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है, वन अपॉन ए माइनस बी, और यहाँ पे जो आपका बनेगा वो कितना बनेगा, इंटीग्रेशन पहले तो ये आएगा तो क्या होगा, एक्स प्लस ए एक ब्रैकेट में होगा पूरे के साथ, अंडर रूट क्या होगा एक्स प्लस ए इंटू क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा, एंड देन इंटीग्रेशन के साथ जाएगा ए के साथ जाएगा, तो ये होगा माइनस ए इंटू अंडर रूट कितना होगा a प्लस एक्स, यहाँ पर हो जाएगा डी एक्स, ठीक है गाइस। प्लस उसी तरीके से यहाँ पे दो गाइस हमारे पास कितना होगा,
सिमिलरली एक्स अंडर रूट एक्स प्लस बी के साथ जाएगा तो कितना बना लेगा, इंटीग्रल आपका बनेगा एक्स प्लस बी, अंडर रूट कितना होगा एक्स प्लस बी, ये हो जाएगा डी एक्स, एंड देन ये बी इसके साथ आएगा तो गाइस यहाँ पे कितना होगा बी अंडर रूट कितना होगा एक्स प्लस बी, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा डी एक्स, दैट्स इट। ये आपका गाइस यहाँ तक हो गया। अब आगे हम बढ़ते हैं तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये आपका नेक्स्ट नेक्स्ट जो आप करोगे आपके पास आएगा, ये आएगा वन अपॉन ए माइनस बी हो जाएगा। गाइस यहाँ ध्यान देखो ये पूरे की पावर कितनी है, पूरे का पावर वन है, इसकी पावर कितना है वन बाय टू, बेस इनके इक्वल है, ये एक्स प्लस ए है, यहाँ भी एक्स प्लस ए है, जब बेस इक्वल है तो पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है। और एक और स्टेप जारी देखो कि पावर यहाँ पे कितनी है वन है, यहाँ पे वन बाय टू, वन और वन बाय टू ऐड होगी कितना बन जाएगा एक्स प्लस ए होल की पावर हो जाएगा थ्री बाय टू, ये हो जाएगा डी एक्स। यहाँ पर गाइज आपका ए तो बाहर हो जाएगा और जो होगा कि आपका बचेगा यहाँ पर हो गया अंडर रूट कितना ए प्लस एक्स, इसको लिख सकते हो क्या ए प्लस एक्स होल की पावर वन बाय टू, ये हो जाएगा डी एक्स। उसी तरीके से गाइज यहाँ आपका कितना होगा इंटीग्रेशन आपका कितना होगा एक्स प्लस बी होल की पावर हो जाएगा थ्री बाय टू डी एक्स, जैसा यहाँ पर हमने थ्री बाय टू किया है वैसे यहाँ पर हमारा थ्री बाय टू हो जाएगा। एंड द लास्ट वन, और जो हमारा लास्ट जो होगा गाइज वो क्या होगा, सॉरी गाइज यहाँ पर हमारा क्या होगा प्लस होगा, देखो ये प्लस था हमारा लास्ट में आपका बी गाइज बाहर हो गया, अंडर रूट कितना होगा एक्स प्लस बी होल की पावर वन बाई टू इंटू क्या हो जाएगा डी एक्स। ठीक है गाइज, गाइज अब देखो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ से, तो ये हो गया वन अपॉन ए माइनस बी। ठीक है, यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा एक्स प्लस ए होल की पावर थ्री बाई टू में हमें ऊपर वन ऐड करना पड़ेगा, जैसा पावर वैसा हमें नीचे भी लिखना पड़ेगा, थ्री बाई टू प्लस वन हो जाएगा। ए गाइस कांस्टेंट होते खेल से बाहर था हमारा पहले से ही, यहाँ पे कितना होगा एक्स प्लस ए होल की पावर वन बाई टू में वन ऐड करना पड़ेगा, यहाँ भी वन बाई टू में हमें यहाँ पर वन ऐड करना पड़ेगा। सेम गाइस यहाँ पर हमारे पास होगा एक्स प्लस बी, क्या होगा एक्स प्लस बी होल की पावर थ्री बाई टू में वन ऐड करना पड़ेगा, थ्री बाई टू में हमें यहाँ भी क्या करना पड़ेगा वन ऐड करना पड़ेगा। एंड द लास्ट वन बी हमारा जो गाइस है बी यहाँ पे कितना होगा एक्स प्लस बी होल की पावर थ्री बाई टू वन बाई टू में वन ऐड करना पड़ेगा, यहाँ भी गाइस हमें वन बाई टू में वन ऐड करना पड़ेगा सेम ये प्लस सी। छोटी सी कैलकुलेशन आपको मिलेगी गाइस सिंपल सा, करना क्या है सिंपल कैलकुलेशन आपका यहाँ होगा, ये आपका हो जाएगा कितना इज इक्वल टू आपका यहाँ होगा ये होगा वन अपॉन ए माइनस बी। सबसे पहले गाइस ऊपर जो क्या आएगा एक्स प्लस ए, ये आपका है थ्री बाई टू प्लस वन, तो एलसीएम कितना आएगा टू, टू का मल्टीप्लाई यहाँ पर होगा टू वन या टू हो जाएगा, टू प्लस थ्री आपका कितना होगा फाइव बाई टू। ठीक है, नीचे भी गाइस आपका कितना आएगा फाइव बाई टू, यहाँ है माइनस है आपको बाहर है, यहाँ तो गाइस कितना होगा एक्स प्लस ए, यहाँ पर होगा वन बाई टू प्लस वन, तो कितना बन जाएगा वन बाई टू में वन जोड़ेंगे तो कितना आएगा थ्री बाई टू आ जाएगा, नीचे हमारा कितना आएगा थ्री बाई टू। यहाँ दो गाइस कितना होगा एक्स प्लस बी होल की पावर फाइव बाई टू, फाइव बाई टू में यहाँ नीचे भी फाइव बाई टू बनेगा, यहाँ पे गाइस बी आपका होगा यहाँ पे होगा एक्स प्लस बी होल की पावर कितना हो जाएगा थ्री बाई टू, यहाँ भी हो जाएगा थ्री बाई टू यहाँ भी होगा, एंड देन लास्ट आपका होगा प्लस सी। तो यहाँ से गाइस आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा वन अपॉन ए माइनस बी, गाइस टू कहाँ आ जाएगा ऊपर चला जाएगा तो होगा ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस ए होल की पावर फाइव बाई टू अपॉन कितना आ जाएगा फाइव माइनस, ये टू यहाँ मल्टीप्लाई में आएगा तो क्या आएगा टू ए हो जाएगा एक्स प्लस ए होल की पावर थ्री बाई टू अपॉन कितना आ जाएगा थ्री, यहाँ से गाइस टू ऊपर जाएगा तो टू यहाँ चला गया, यहाँ पर कितना होगा एक्स प्लस बी होल की पावर फाइव बाई टू अपान कितना होगा फाइव हो जाएगा, थ्री यहाँ पे चला जाएगा सॉरी टू टू जाएगा तो टू बी अपॉन कितना हो जाएगा थ्री, और ये गाइस कितना बन जाएगा एक्स प्लस बी होल की पावर थ्री बाई टू प्लस सी। तो ये गाइस आपका रहा क्वेश्चन नंबर टेन आपका ख़त्म। ठीक है, तो थोड़ा सा लेंदी तो था, कैलकुलेशन आसान थी बट एक्सप्रेशन थोड़े लंबे लंबे थे तो थोड़ा टाइम लगा। ठीक है, तो गाइस ये आपका क्वेश्चन नंबर ख़त्म हो गया टेन वाला। ठीक,